अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। आज 19 अगस्त 2018 और इतवार का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मदीना मुनवरा से ज़ेर इलाज आज़मीन का कारवान। सऊदी महकमा सेहत ने मदीना मुनवरा में ज़ेर इलाज हाजियों को हज कराने के लिए खसूसी इंतज़ाम कर दिया। उन्हें 7 ज़ुलहज को मदीना मुनवरा से मशायरे मुकदसा तिब्बी कारवां के साथ भेजा जाएगा। डॉक्टर, नर्सें और जुमला सेहत लवाजमात के साथ एम्बुलेंसों में उन्हें हज पर भेजा जाएगा। शबाब मक्का आज़मीन की खिदमत में। मुकद्दस शहर में शबाब मक्का ने मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज को इब्तदाई तिबी इमदाद पेश करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये नौजवान हिलाल अहमर के तावनों इश्तराक से आज़मीन को तिबी इमदाद फराहम करके ज़रूरत पड़ने पर हस्पताल ले जाने का इंतज़ाम करते हैं। सऊदी अरब में 2 नई आयल फील्ड दरियाफ्त, गैस की गैर रवायती पैदावार शुरू। सऊदी अरामको ने ऐलान किया है, 2017 के दौरान 2 नई आयल फील्ड दरियाफ्त हुई थी। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार गैर रवायती तरीके से गैस की पैदावार शुरू कर दी गई, जबकि खुरेस आयल फील्ड से 2018 के दौरान योमिया तेल पैदावार 3 लाख बैरल तक पहुंच गई। अरामको ने ऐलामिया जारी करके बताया कि खाम तेल को केमिकल में तब्दील करने और उसकी कदरों कीमत में इजाफा करने के प्रोग्राम तेजी से जारी हैं। कंपनी के चेयरमैन अमीन अल नासर ने अरामको के कारकुनान को मुखातब करते हुए कहा कि 2017 समंदर और खुश्की में तेल के कुओं की खुदाई का दायरा वसी करने के हवाले से मुनफरिद साल था। इसका सेहरा कंपनी के मुलाजमीन के सर जाता है। आज़मीन के काफ़िले मक्का के लिए रवाना। मदीना मुनव्वरा में ज़ियूफ़ुर रहमान के काफ़िले मदीना मुनव्वरा से हज के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना होने लगे। हफ्ते की रात से आज़मीन हज के काफ़िले मीना की तरफ रवाना शुरू होंगे, जहां वो इतवार को जोहर, असर, मगरब, इशा और फजर की नमाज़ें अदा करेंगे और पीर को वकूफ़े अरफा करेंगे। ज़ियूफ़ुर रहमान के लिए 5 लाख किताबें। साले अब्दुल अज़ीज़ अल राहजी औकाफ की इंतज़ामिया ने हज मौसम के दौरान ज़ियूफ़ुर रहमान को 6 ज़ुबानों में 5 लाख किताबें तकसीम करने के लिए पेश कर दी। इदारा औकाफ के सेक्रेटरी जनरल अब्दुलसलाम अल राहजी ने बताया कि इदारा औकाफ दावती प्रोग्रामों के फ़रोग के लिए कोशां रहता है, इसलिए किताबों और मुख्तलिफ किस्म के दावती लिटरेचर की तकसीम का एहतमाम किया जा रहा है। 6 ज़ुबानों में दावती किताबें मस्जिद हराम की इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई। बुरेदा हस्पताल में आतशजदगी। अलकसीम महकमा सेहत ने वाजा किया कि बुरेदा के जच्चा बच्चा हस्पताल के बावर्ची खाने में गैस लीकेज पर आग लग गई थी। इस पर काबू पा लिया गया। बावर्ची खाने के 10 मुलाजम मुतासर हुए। उन्हें इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद बुरेदा के किंग फहद स्पेशलिस्ट अस्पताल और बुरेदा के सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी सेहत तसल्ली बख्श है। हज कवानीन की खिलाफवर्जी पर कैद, जुर्माने, तशहीर और बेदखली की सज़ा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने हज कवानीन की खिलाफवर्जी पर 5 मकामी शहरियों और 1 गैर मुल्की को कैद, जुर्माने, तशहीर और डिपोर्ट की सज़ा देने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बगैर इजाज़तनामे वाले आज़मीन को मकामाते हज ले जाने वाले शहरी फैसल अल अतेबी को 15 दिन कैद, 1,10,000 रियाल जुर्माने और तशहीर की सज़ा का फैसला किया गया। गैर मुल्की एहसानुल हक मोहम्मद यूसुफ को 15 रोज़ कैद, 20,000 रियाल जुर्माने, तशहीर और सजा काटने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का फैसला किया गया। इनके अलावा अहमद अलियामी को 15 दिन कैद, 1,10,000 रियाल जुर्माने और तशहीर, अहमद अल शेखी को 15 दिन कैद, 30,000 रियाल जुर्माने और तशहीर, ज़ाहिर अल कहतानी को 15 दिन कैद और 40,000 रियाल जुर्माने और तशहीर की सजा दी गई। हमीद अल मुहैदी को 15 रोज कैद, 1,00,000 रियाल जुर्माने और तशहीर और इवद अल जहरानी को 15 रोज कैद और 80,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये सब गैर कानूनी हाजियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रहे थे। सादा लिबास में मशायरे मुकदसा जाकर अहराम पहनना और फिदिया देना दीन से मजाक है।
सरबरा आवर्दा उलमा बोर्ड ने वाजिया किया कि बगैर इजाजतनामा वाले आजमीन को सादा लिबास में मशायरे मुकदसा जाकर अहराम पहनने और फिर फिदिया देने का फतवा जारी करने वाले दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। उलमा बोर्ड ने इस हवाले से शेख इब्नी उस्मैन का फतवा जारी किया। बोर्ड ने तवज्जो दिलाई कि जो भी शख्स हज का इरादा कर चुके हो, उसके पास इजाजतनामा ना हो, वो सादा लिबास में मशायरे मुकदसा ना जाए। जो लोग सादा लिबास में मशायरे मुकदसा जाकर अहराम पहन लेते हैं और हज करते हैं, मीकात से बगैर अहराम गुजरने की पाबंदी का एहतराम नहीं करते, पाबंदी ना करने पर फिदिया दे देते हैं, वो एक तरह से अल्लाह ताला की अलामतों का मजाक बना रहे हैं। जो लोग बगैर इजाजत वाले आजमीन को सादा लिबास में मशायरे मुकदसा जाने की यह कहकर इजाजत दे रहे हैं कि आप वहां पहुंचकर अहराम बांध लें और मीकात से बगैर अहराम गुजरने की खिलाफवर्जी पर फिदिया दे दें, वो दीन का मजाक बना रहे हैं। दूसरी जानब उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर साहले अल-फौज़ान ने हज आगही इदारे से मुंसलिक मुबल्लगीन से कहा कि वो हजाज को हज मकामात पर मुकम्मल आगही फराहम करके यहाँ से इस्लाम का दाई बनाकर भेजें। उन्होंने कहा कि हर जमानो मकान में दीनी दावत की अहमियत मुसल्लम है। दुआ उमरे की थी, अल्लाह ने हज की सआदत बख्श दी काजिकिस्तानी। काजिकिस्तान से अर्ज मुकद्दस आने वाले खैरत नौरस बाई ने इजहार मुसरत करते हुए कहा कि मैंने अल्लाह ताला से उमरे की तौफीक बख्शने की दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मुझे हज पर बुला लिया। उनका कहना है कि वो मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से बेजार थे, अहकाम इलाही की तामील और ममनुआ अमूर से बचने की हिदायत भूले हुए थे। बीवी मेरे साल पर परेशान थी, 6 माह पहले ससुर के इंतकाल ने जिंदगी की काया पलट दी। मियां बीवी पर इसका बड़ा असर हुआ, बीवी दिन भर रोती रही, मेरे दिल में भी मौत का खौफ पैदा हो गया, इसी खौफ ने मेरी दुनिया बदल दी। उस दिन से मैंने नमाज तिलावत जिक्र आगाही और दीनी इल्म के हसूल की पाबंदी शुरू कर दी। आरजू थी कि उमरा के लिए मक्का मुकरमा पहुंचूं, बजट ना होने की वजह से आरजू ना तमाम रही। अचानक पता चला कि खादिम हरमैन शरीफैन हज उमरे के लिए बहुत सारे लोगों को अपने खर्च पर बुलाते हैं। मैंने अपने यहाँ इस प्रोग्राम के मुतलका अहदेदारों से राबता करके 6 माह पहले उमरे की दरख्वास्त दी। मुझे बताया गया कि आप हज और उमरा दोनों की शहादत हासिल करोगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे हज की शहादत बख्शी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान का ममनून हूँ जिन्होंने मेरा ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर कर दिया। मक्का में सिक्योरिटी अहलकारों पर हमलावरों के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अलमाजब ने मक्का मुकरमा में सिक्योरिटी अहलकारों पर हमलावरों के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर करने का हुक्म जारी कर दिया। ये फैसला हमले के वाकया पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप के दुरुस्त साबित हो जाने के बाद किया गया। सिक्योरिटी अहलकारों ने हमलावरों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसमें सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ बदकलामी की गई थी और उन्हें अपने फ़राइज की अदायगी से रोकने की कोशिश भी शामिल थी, जबकि उन्हें धमकियाँ भी दी गई थी। जजान में बारिश। जजान में जुमा को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। छुट्टी के बाद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इस मौका पर लुत्फ उठाया। आज़मे हज और सिक्योरिटी अहलकार बगलगीर। मक्का मुकरमा हरम शरीफ में एक सिक्योरिटी अहलकार एशियाई बुजुर्ग आज़मे हज को ना जाने किस बात पर बगलगीर होकर प्यार करने लगा, आज ही भी उससे मुतासर होकर बगलगीर हो गया। हरम शरीफ में मौजूद जायरीन इस मंजर से लुत्फ अंदोज होते रहे। स्टॉक मार्केट में मंदी, सरमायाकारों के 71 अरब रियाल डूब गए। खाम तेल और सोने की कीमत में भी कमी, सारे इशारे मनफी, सरमायाकारी भी घट गई। गुज़श्ता हफ्ते खाम तेल की कीमत में मजीद कमी देखी गई। एक हफ्ते में खाम तेल की कीमत 2.8% कमी के बाद $65 फी बैरल की तरफ जाते हुए देखी गई। सोने की कीमत $1,212 फी औंस से कम होकर $1,177 फी औंस पर देखी गई। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी स्टॉक मार्केट की मंदी में मजीद इजाफा हुआ। तदावल शेयर इंडेक्स ने 394 पॉइंट्स का मदो जजर देखा और आखिर में 309.02 पॉइंट्स की कमी के बाद 7,867 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सारे इशारे मनफी जोन पर बंद हुए।
हज के दीनी और दुनियावी फवायद हासिल करें इमाम हरम। मस्जिद अल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर सऊद अल शुरेम ने आजमीन हज से कहा कि वो इस्लाम के पांचवें रुकन हज के शायर और मनासक अहसन शक्ल में अदा करके हज के दीनी और दुनियावी फवायद हासिल करें। उन्होंने ईमान अफरोज रूहानी माहौल में जुमा का खुतबा देते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर हज फर्ज किया और उस रुकन में बहुत सारे मकासद और फवायद पैदा कर दिए। उम्मत मुसलमा इन मकासद और फवायद से बेनियाज नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया था वो दुनिया भर के लोगों को हज पर आने की सदा लगाएं। इसका मकसद बंदगाने खुदा को हज की हिकमतों और उसके फवायद के हसूल की तरफ रागब करना था। कुरान पाक की आयत करीमा में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसका ये हुक्म कह कर दिया गया कि तुम लोगों में हज का ऐलान कर दो। वो पैदल और कमज़ोर और लागर और ऊँटों पर सवार होकर दुनिया के दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह ताला ने यह भी वाजा किया कि हज पर आने वाले मुकद्दस शहर पहुँचकर अपने फवायद का निज़ारा करेंगे और मुतय्यना दिनों में अल्लाह ताला का नाम लेकर उसका जिक्र करेंगे। इमाम हरम का खुतबा सुनने के लिए लाखों आज़मीन मस्जिद अल हराम में मौजूद थे। जी तो दोस्तों, ये था 19 अगस्त 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।